वेल हे गाइस, तो आज मैं ड्रॉ करने वाला हूँ डेकू को। तो यहाँ मैं सबसे पहले उसका एक रफ स्केच बना लूंगा ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए उसके प्रोस्पेक्टिव का, और जब मैं श्योर हो जाऊंगा रफ स्केच सही बना है तब मैं उसमें बाकी डिटेल्स ऐड करूंगा। अगर तुम कोई कलरिंग आर्टवर्क बना रहे हो तो याद रखना तुम्हें पेंसिल पर ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना, क्योंकि तुम्हें उसे इरेज भी करना है बाद में। इंकिंग को काफी ज्यादा पेशेंटली करना होता है, क्योंकि अगर तुमने कोई मिस्टेक करी तो तुम उसको इरेज नहीं कर पाओगे, याद रखना। तो अब बारी इसकी कलरिंग की। तो कलरिंग के लिए मैं व्हाइट बोर्ड मार्कर से इसका एक बेस लेयर तैयार कर दूंगा, और फिर मैं पेंसिल कलर से उस पर डिटेल्स ऐड करूंगा, क्योंकि मार्कर से बेस बनाने के बाद जब मैं उस पर पेंसिल कलर यूज करूंगा तो मुझे काफी ज्यादा स्मूथ रिजल्ट मिलेगा। वैसे तुम्हारा माय हीरो एकेडमी का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है कमेंट में जरूर बताना, क्या पता मैं अगली बार उसे ड्रॉ करूं। वैसे अगर तुम इसकी फुल वीडियो देखना चाहते हो तो वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तुम जाके देख सकते हो। तो इसे और थोड़ा बढ़िया दिखाने के लिए मैं इसमें बैकग्राउंड भी ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।